Hello everyone, my name is Simran Kapoor and I warmly welcome you all to my channel English Made Easy. So, आज हम बात करने वाले हैं how to speak English इस टॉपिक के बारे में. ओके, ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंग्लिश लर्नर्स के लिए. अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश को समझ लेते हैं, दे नो हाउ टू अंडरस्टैंड इट, दे नो हाउ टू राइट इट, दे नो हाउ टू रीड इट, बट जब बात आती है बोलने की, then there are so many people they can't speak English. ठीक है, तो क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि हम इंग्लिश बोलनी हमको आ जाए, उसको कैसे सीखें, क्या तरीका है उसको सीखने का. तो आज इस वीडियो में मैंने आपके लिए तीन ईजी वेज निकाले हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे अगर आप इन थ्री वेज को फॉलो करते हैं रोज़ाना बहुत डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, तो इंग्लिश बोलना कोई एक बड़ी बात नहीं रह जाएगी बाय द एंड ऑफ 20 or 30 days. ठीक है, तो ये आपके लिए एक 15 to 20 या फिर 30 days का प्रोसेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी कि आप उसको, आपकी क्षमता क्या है और आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है उसको सीखने की. और राइट, तो चलिए अब इन थ्री ईजी वेज को डिस्कस करते हैं. क्या है ये वेज जिसको आप फॉलो करके आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज एंड यू गाइज डोंट मिस आउट लर्निंग इंग्लिश. All right, now let's get started and let's jump on to our tip number one. Tip number one says copy and paste. So now what is this copy and paste? ये एक method है, ये एक technique है जिसको use करके आप English को बोलना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से. अभी क्या 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 तरीका है ये, इसका मतलब ये है कि आपको conversations जो आप English की होती हैं उनको सीधा सीधा कॉपी करना है, कहीं जहाँ से भी आप सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं या फिर कोई मूवी से सुनते हैं, सीधा सेम टू सेम सेंटेंस को कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है अपनी ही कॉन्वर्सेशन में. ऑलराइट, सपोज मैंने यहाँ पे चार वेज में आपकी प्रॉब्लम्स को, थोड़ा जनरल प्रॉब्लम्स को मैंने बाइफरकेट किया है. सपोज आपको नहीं पता हाउ टू आस्क फॉर हेल्प इन इंग्लिश, how to tell about your well being, how to inquire about something in English, या फिर how to order food from restaurant. इंग्लिश में आपको नहीं बोलना आता, नहीं पूछना आता, नहीं करना आता, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए यू हैव टू यूज ट्रांसलेटर्स. तो सबसे पहला जो आप यूज कर सकते हैं वो ये है कि आप गूगल असिस्टेंट का यूज करिए. ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो गूगल ने हमें प्रोवाइड कर रखी है और बहुत ही कम लोग इसको ढंग से यूज करना जानते हैं. तो आप गूगल असिस्टेंट पर जाइए, उसको बोलिए बी माई हिंदी इंटरप्रेटर, तो वो आपका ट्रांसलेटर बन जाएगा एंड इट विल ट्रांसलेट एनी थिंग फ्रॉम हिंदी इन टू इंग्लिश. ओके, सपोज आप उसे कहते हैं आप हमारे लिए 2 कप चाय भिजवाइए, तो वो सेम इसी सेंटेंस को जो मैंने बोला है अभी उसको इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेट करके देगा. और आपका काम क्या है, उसी उस इंग्लिश ट्रांसलेटेड सेंटेंस को उठाना, कॉपी करना, ओके, और उसको सेम टू सेम बोल देना ओवर द कॉल. तो आप ऐसे ऐसे आप इस प्रोसेस को बार बार करें, यानी कि आपने एक बार करा एंड दैट्स इट, नो, यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस सेवरल टाइम्स. जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको इंग्लिश में कहना है, चाहिए गूगल असिस्टेंट पे, उसको कहिए, उसको बोलिए भी माई हिंदी इंटरप्रेटर, जो भी आपको हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है वो वहाँ पे उसको ऑडियो से बोलिए या कीबोर्ड मैनुअली बोलिए. सो इट विल ट्रांसलेट एनी थिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को आप कॉपी करिए एंड देन यू स्पीक आउट द सेम. अब इससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, English will start becoming a part of your brain, your tongue. Okay, your tongue will get equipped to a new language. All right. और Google Assistant के अलावा आप ChatGPT का भी use कर सकते हैं. ChatGPT is used globally all over, and it is used by millions of people. So make sure you also use it for translation purposes. Okay. और आपको कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है grammar वगैरह पर इनिशियली, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस करेंगे कॉपी एंड पेस्टिंग का, तो इससे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है, कहाँ पर हैज़ यूज़ करते हैं, कहाँ पर हैव यूज़ करते हैं, कहाँ पर क्या यूज़ होने लगता है. ये सब आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है जब इंग्लिश आपकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने लगती है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंग्लिश को अपनी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाएं, उसको बोलना शुरू करें, कॉपी पेस्टिंग करें. नाउ वी मूव ऑन टू आर
Tip number two, and tip number two says that learn correspondent Hindi word for every English word. अब इसका क्या मतलब है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहले इसका मीनिंग पे ध्यान देते हैं. हर एक इंग्लिश वर्ड का आपको कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदी वर्ड पता होना चाहिए, या फिर जो भी आपके मदर टंग है उसका वर्ड पता होना चाहिए. और राइट, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एक बार को तो हम ग्रामर सीख भी जाते हैं, थोड़ी बहुत सिंपल बेसिक ग्रामर ही हमें आ जाए अगर, तो भी हम इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं. लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें वर्ड ही नहीं आ रहा होता दिमाग में कि आगे क्या बोलना है ताकि सेंटेंस फ्रेम हो सके, तो यहाँ पे ये बहुत दिक्कत हो जाती है. और वो दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज कभी भी हमने इंग्लिश वर्ड को उसके अपने मदर टंग में उसका कॉरेस्पॉन्डेंट वर्ड जो मदर टंग में है वो कभी सीखा ही नहीं, वो कभी लर्न करा ही नहीं. तो सबसे पहले आपको इंग्लिश वर्ड का हिंदी वर्ड पता होना चाहिए. बहुत से ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हमें इंग्लिश मीनिंग में ही माइंड में पिक्चर्ड होते हैं. सो व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश कंसिस्टेंटली इन अ फ्लो, दीज वर्ड्स डोंट पॉप अप इन माइंड. बिकॉज एज अ बिगनर, जब हम बिगनिंग में होते हैं, जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, वी आर फर्स्ट थिंकिंग इन हिंदी, वी आर फर्स्ट थिंकिंग इन अ मदर टंग. सो व्हेन एनी हिंदी वर्ड लाइक यू नो क्रांति, इट पॉप्स अप इन माइंड, वी डोंट नो इट इन इंग्लिश. हमें पता ही नहीं कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. बट इट मे बी पॉसिबल दैट वी माइट बी यूजिंग दैट वर्ड सेवरल टाइम्स. ओके, एंड दैट इज रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश. ओके, क्रांति इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. सो यू मस्ट ऑलवेज नो द कॉरेस्पॉन्डेंट वर्ड इन हिंदी फॉर एवरी इंग्लिश वर्ड, एंड दिस इज हाउ यूल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड स्मूथली. सो देयरफॉर आप जब भी इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, उनके मीनिंग मीनिंग मीनिंग्स को पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर आप सबसे पहले किसी भी इंग्लिश वर्ड का जो मीनिंग है या फिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये सबसे पहले आप ही चेकआउट करें उसको अपनी मदर टंग में. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं विजडम, विजडम को हिंदी में क्या कह रहे हैं, इट्स कॉल्ड समझदारी. फो को क्या कहते हैं, ये ऐसे इनके हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे हैं जो हम रोज़ाना अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. उसको हम हिंदी में दुश्मन बोलते हैं, डिक को खोदना बोलते हैं, कोर्ट यार्ड को आंगन बोलते हैं. राइट, सी ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रोज ही अपनी हिंदी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, समझदारी, दुश्मन, खोदना, आंगन. तो सबसे पहले आप इंग्लिश वर्ड के उसको इंग्लिश वर्ड को उसके हिंदी वर्ड में देखिए कि उसको हिंदी वर्ड में क्या कहा जाता है. ऐसे आपको आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी क्योंकि सबसे पहले जब आप बिगनिंग में होते हैं तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. तो अगर आपको पता है हिंदी वर्ड है ये समझदारी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है विजडम, तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाता है. नाउ आवर नंबर थ्री टिप इज लर्न एट होम डेली. अब देखिए, कहीं बाहर जाके इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई अगर आसपास इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है इट्स ओके, कोई इन्वायरमेंट नहीं है इट्स ओके, आप घर पे अकेले इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बहुत आसानी से. ठीक है, कैसे? बस आपको क्या करना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे. जैसे भी बोलते हैं आप, टूटी फूटी बोलते हैं या अजीब बोलते हैं या नहीं आती, जैसे भी है, जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो बोलिए 10 to 15 minutes एवरी डे. ओके, ऐसा आप रोज करिए, सिर्फ 10 minutes निकालने हैं आपको ऑफ योर डे. ऑलराइट, स्पीक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश फॉर 10 minutes एवरी डे एंड इट विल मेक अप अ टोटल ऑफ 300 minutes ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर मंथ. ऑल्सो मेक श्योर यू रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड चेक योर मिस्टेक्स. ऑलराइट, आप देखिए, आप रिकॉर्ड करिए कि हाउ यू आर स्पीकिंग, ठीक है, और फिर इसको चेक करिए कि आप कैसा बोल रहे हैं. आप खुद को सुने कि हाउ यू आर स्पीकिंग, कितना अच्छा बोल पाते हैं, कितना बेकार बोल पाते हैं, आपको खुद को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं. सो व्हेन यू रियलाइज हाउ यू आर स्पीकिंग एंड एट व्हाट पॉइंट्स यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस और नॉट स्पीकिंग करेक्टली, मेक श्योर दैट यू लर्न हाउ टू से दैट वर्ड सेंटेंस इन इंग्लिश यूजिंग द AI टूल्स, जो कि मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि चैट GPT यूज कर सकते हैं या फिर आप गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ऐसा करने से आप सही तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी और ये ठीक कैसे करना है ये भी आपको पता होगा. ऑलराइट, ये कुछ 3 ways थे जो आपके साथ मैंने आज डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये पसंद आए हो. आई होप आप इनको फॉलो करेंगे और आप इन्हें प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, बिकॉज आफ्टर फॉलोइंग दीज यू विल really see that it is really easy to speak English. और ये तरीके बहुत ही आसान हैं जिनसे आप English बोलना सीख सकते हैं.
So thank you so much guys for staying until the end of this video. I hope you like this video and don't forget to subscribe this channel, like this video and share this video friend. Take care of yourself and I'll see you soon in my next video.